नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत में हम अक्सर आदिवासी भाषा बोली संस्कृति जीवन शैली इसके संरक्षण की चिंता इसको क्यों बचाया जाना चाहिए इस मसले पर चर्चा करते रहते हैं और अक्सर इस सवाल में उलझ जाते हैं कि ये काम होगा कैसे। आज हम लोग बस्तर के जगदलपुर शहर में हैं और यहाँ पर बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर के प्रांगण से आपसे बात कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं इस एकेडमी की प्रिंसिपल पूर्णिमा सरोज और उनसे आज इस बारे में बातचीत करेंगे। पूर्णिमा सरोज के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि वैसे ये रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की लेक्चरर रही हैं लेकिन इनका झुकाव हमेशा आर्ट और कल्चर की तरफ रहा। कई आदिवासी भाषाएं ये बोलती और लिखती हैं। मैंने सही कहा पूर्णिमा जी? जी जी, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्णिमा जी, बहुत ब्रीफली ये जो एकेडमी है ये कब शुरू हुई और इसकी क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप मुझे बताइए टहलते हुए आपकी एकेडमी में बात करते हैं। जी बिल्कुल, ये बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर, इसका जो कॉन्सेप्ट है लगभग 3 साल पहले हुआ था और चर्चाएं और मीटिंग्स और बहुत सारी जो गतिविधियाँ हुई कि हम अपने बस्तर के जो कल्चर है, आदिवासी लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं और यहाँ के जितने भी भाषा बोलियाँ हैं उनको हम संरक्षित और संवर्धित कैसे कर पाएं, तो इन चीज़ों के लिए एक विचार मंथन लगातार चलता रहा और इसमें लगभग सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। पूर्व कलेक्टर आदरणीय रजत बंसल जी ने काफ़ी प्रयास किया और इसमें बस्तर एकेडमी ऑफ डांस की स्थापना के पीछे जो लोगों का जुड़ाव हुआ साहित्य के क्षेत्र से, आदिवासी जनजाति के जो समाज के प्रमुख लोग हैं उन लोगों ने इसमें सहयोग किया है और यहाँ के जो आंचलिक साहित्यकार हैं, लोकल साहित्यकार हैं, उन्होंने सारे लोगों के विचार मंथन के बाद एक जो निष्कर्ष ये आया कि हम अपने बस्तर की संस्कृति को संरक्षण संवर्धन पोषित करें और अगली पीढ़ी तक शुद्ध रूप से कैसे पहुँचाएँ, इस चीज़ को हमें क्रियान्वयन करना जी। और एक बड़ी चुनौती जो हमारे अनुभव के आधार पर हमने देखी है वो ये होती है कि जो आदिवासी भाषाएं हैं उनकी लिपि नहीं है ज्यादातर, बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं है। दूसरी चुनौती ये होती है कि कैसे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। तो क्या आप लोगों ने इस सवाल पे विचार किया, क्या इस पे कोई पहल हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो भाषा के लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ करने से पहले यहाँ के जितने भी जनजातीय लोगों को बादल से जोड़ा तो यहाँ पे जो जुड़ी हुई जनजातियाँ हैं हलवा, भतरा, मुरिया, कोया और मुंडा और धुरवा जनजाति इस बादल से जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने भी इस बादल के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने अपने ही समाज के जो रीति रिवाजों को स्वयं उन्होंने ही अभिलेखीकरण किया है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितनी भी परंपराएं होती हैं, जितने भी रस्म होते हैं, वो सारी चीज़ों का अभिलेखीकरण उन्होंने किया है और साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स भी उनके प्रोग्राम के उन्होंने लगाए हैं कि हमारी जनजाति में ऐसा रस्म है जिसको इस तरह से किया जाता है। इस तरह से उन्होंने स्वयं ही एक प्रमाणित हमें एक अभिलेखीकरण पुस्तिका प्रस्तुत की है, वो 6 समाज जो बादल से जुड़े हैं उनका, और उनको अभिलेखीकरण में मदद करने वाले बादल के जो हमारे स्टाफ हैं और साथ ही उनके समाज से कुछ पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से विचार विमर्श करके, उनसे जानकारियां एकत्र करके, उनसे मदद लेकर उनकी सारी जानकारियों को संग्रहित किया गया है जी। और आज जब हम बादल पहुँचे, कितना खूबसूरत नाम रखा गया है इस संस्थान का, आज इस संस्थान के 5 विभागों को खैरागढ़ विश्वविद्यालय से एफिलिएट किया गया है। जी जी, एक्चुअल में 5 विभाग तो यहाँ ऑलरेडी है जिसमें भाषा है, कला और साहित्य है और शिल्प है और इसके साथ ही लोकगीत लोक नृत्य है, तो ये तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन खैरागढ़ से हमें कुछ पाठ्यक्रमों की मान्यता मिली है जिसमें लोक संगीत का 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है
गीतांजलि जूनियर सीनियर का है हाँ। और साथ ही गायन वादन का प्रथमा मध्यमा और इसके अलावा एक और कोर्स है जिसमें चित्रकारी आर्ट एप्रिसिएशन हाँ। का है, द्विवर्षीय डिप्लोमा का कोर्स है। तो इन कोर्स को संचालन करना और परीक्षा केंद्र के रूप में यहाँ पे मान्यता मिली है। तो हम लोग जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे प्रवेश लिए हैं उनको एक अध्यापन की सुविधा भी हम बादल से प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही क्या होगा कि बादल में जो उनका एडमिशन है उसमें आयु सीमा को हमने नहीं रखा है। 14-15 वर्ष के बाद जितने भी आयु के हैं कोई सीमा नहीं है, सारे लोग यहाँ आके मतलब मैं भी चाहूं तो दाखला ले सकता हूं। बिल्कुल स्वागत है आपका, आपसे बड़े बड़े उम्र वाले लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं। आपको मेरी उम्र का अंदाजा नहीं है अभी मेरी काफी उम्र है, 52 साल हो चुकी है मेरी। तो यहाँ 60-80 वाले भी लिए हैं। अच्छा, फिर तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जी जी। तो आपने जब अपनी बात कही तो आपने ये कहा कि भाषा पर भी आपके संस्थान में काम हो रहा है। तो मैं घूम रहा था यहाँ के आदिवासी गांवों में और हम लोगों का एक प्रोग्राम है ट्राइबल किचन, तो उसमें एक लड़की से बात हो रही थी जो अभी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में है। उसने मुझे बताया कि उनके इलाके में हलबी में ही बातचीत होती है, वही संपर्क की भाषा है और उसमें ही उसमें अब प्राइमरी लेवल पर कुछ किताबें भी प्रकाशित हो रही हैं। इस बारे में थोड़ा बताइए और आपका संस्थान क्या करना चाहता है इसमें। भाषा को लेकर तो बहुत सारी समस्याएं थी और अभी उसका कुछ निराकरण हो भी रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे मैदानी स्तर के कर्मचारी होते हैं जिनका ग्रामीण लोगों से बातचीत करने का अवसर होता है, तो उस समय क्या उन्हें थोड़ी सी असुविधा महसूस होती है कि वो लोग डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर पाते हैं या उनकी बात वो नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए बादल हम एक ऐसा कोर्स हम लोगों ने यहाँ से सर्टिफिकेट का कोर्स कराया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग है ना, जो नगर सेना या जो पुलिस में जो कर्मचारी होते हैं, शिक्षा विभाग, इनके जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको 20 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ से हलबी का दिया जाता है और वो बिल्कुल यहाँ से 20 दिन में पूरी तरह से समझ जाते हैं, सीख के निकलते हैं। कम से कम संपर्क की भाषा समझ सकते हैं, मतलब कन्वे कर सकते हैं और या वो क्या कह रहे हैं समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए पूर्णिमा जी कि शहीद गेंद सिंह भवन, इसी तरह से अलग अलग नामों पे आपने इन ब्लॉक्स के नाम रखे हैं, कौन लोग हैं ये? ये बादल का जो उद्देश्य है, हम अपनी लोक संस्कृति को संरक्षित कर ही रहे हैं, साथ ही हम यहाँ के जो वीर शहीद हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में अपनी भूमिकाएं निभाई है, तो यहाँ के जो शहीद हैं, वीर हैं, उन लोगों के नाम पर हम लोगों ने भवन का नामकरण रखा है। बहुत ही अच्छी पहल आपने की है। ये बात तो सही है कि अगर सरकारी कर्मचारी दूर दराज के गांवों में रहने वाले आदिवासियों की भाषा को समझेंगे तो उनको आसानी होगी उनकी बात को समझने में, प्रशासनिक काम करने में आसानी होगी। लेकिन ये तो ही सरकारी जरूरत, लेकिन एक भाषा को बचाना कोई आसान काम नहीं है, है ना? वो कहने से नहीं होता है, वो तभी होता है जब लोग उस भाषा को बोलते हैं या उस भाषा में लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो जो जनजातियों की भाषा है, चाहे वो हलबी है, गोंडी है, भत्री है, यहाँ तो कई भाषाएं बोली जाती है। मैंने देखा एक हम लोग गए हाट में तो वहाँ धुरवी भाषा बोलने वाले, भत्री भाषा बोलने वाले, गोंडी बोलने वाले, हलबी बोलने वाले, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले, लेकिन जनजातीय भाषाओं की बात करें तो 4 भाषाएं एक हाट में बोल रहे थे लोग। तो काफी विविधता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भाषाएं फले फूलें इसके लिए बहुत मेहनत करने की और शायद बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत है। जी, जिस पर तो जैसे काम शुरुआत हो ही गई है। मैंने बताया आपको कि हलबी स्पीकिंग कोर्स बादल के माध्यम से तैयार हो चुका है। शिव नारायण पांडे जी जो बादल स्टाफ है उन्होंने इसे तैयार किया है और इसका प्रशिक्षण हम दे रहे हैं और साथ में किताब भी उन्हें देते हैं। लेकिन क्या होता है, जब तक वो प्रशिक्षण में नहीं आएंगे तो जो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ आके यदि प्रशिक्षण लेते हैं उनका उच्चारण और हलबी में जैसे हम क्या बोलेंगे तो उसको कई तरह से बोलते हैं, मोचो मतलब मेरा, है ना? तो इस तरह से जब तक हमारे से सुनेंगे नहीं कि मोचो, मचो, माचो, कुछ भी हो सकता है, तो जब हलबी में मोचो कहा जाता है उस चीज को प्रशिक्षण में आएंगे तभी उनको
एक उच्चारण का जो सुविधा जो है वो मिलती है। बड़ी मजेदार बात याद आ गई मुझे जी, जी। कल हम लोग इंद्रावती नदी के किनारे मछली भून रहे थे। अच्छा। तो जो आदमी हमारे लिए मछली भून रहा था उसने अपने साथी को कहा कि जाओ दारू ले आओ। अच्छा। जब दारू बोला तो मुझे लगा कि वो हमारे लिए शराब मंगा रहा है और वो उधर से लकड़ी लेके आया और पता चला कि हलबी में लकड़ी को दारू बोल दारू को लकड़ी लकड़ी को दारू लकड़ी को दारू बोलते हैं। तो कितना मतलब जरूरी है एक भाषा को समझना जानना और सीखना, और अगर आप जान जाएं तो कितनी सुविधा हो जाती जी, है जी, जी। भाषा पे बात हुई, अगर ट्राइबल डांस के बारे में बात करें तो क्या योजना है आप लोगों की, कैसे ये एकेडमी इस काम में मदद करेगी कि जो यहाँ के लोक नृत्य हैं वो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। और जो एक खतरा हमेशा रहता है कि जो जो स्थापित कलाएं हैं, जो मुख्य धारा समाज की कलाएं हैं वो कई बार निगल जाती हैं लोक कलाओं को। तो इस बादल का तो उद्देश्य ही मैंने बताया कि इसको संरक्षित करना है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य होते हैं जी, उनकी प्रतियोगिताएं भी हम लोग कराते हैं जी, और जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हमारे जो स्टाफ है जो विशेषज्ञ हैं लोक नृत्य के लोकगीत के वो उनको प्रशिक्षित करते हैं जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी बस्तर दशहरा जो होता है यहाँ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा जी जी, तो इसमें प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के स्टेज प्रोग्राम हुआ करते हैं जी, जिसमें अनेक तरह के कार्यक्रम होते थे जी, जी। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये किया कि सारे स्कूल सारे कलाकारों को उसमें जोड़ा, लेकिन एक शर्त रही कि बस्तर की जो लोक कलाएँ हैं लोक नृत्य हैं उन्हीं की प्रस्तुति हो, चाहे स्कूली बच्चे हों कॉलेज के बच्चे हों या स्थानीय कलाकार हों। और स्थानीय कलाकार तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर और बहुत अच्छा करते हैं, हमारी जो टीमें हैं लोक नर्तक दल जो हमेशा नेशनल लेवल तक यहाँ से जाती है टीम लोक नर्तन में, और तो वो लोग भी सिखाने के लिए यहाँ पे कभी कभी आते हैं। तो एक योजना और है कि यहाँ पे हमारे जो कलेक्टर साहब वर्तमान चंदन कुमार जी हैं उनके जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने भी बादल की एक्टिविटी को देख के बहुत सारा सोचा है जी। तो अब हम लोग क्या है इन कलाकारों का जो नर्तक दल है उनकी एक प्रोफाइल बना रहे हैं जिनको हम जहाँ भी वो जाएंगे बादल के माध्यम से उनको हम प्रमोट करेंगे कि बादल का ये नर्तक दल है और इनकी जो परंपराएं नर्तक में क्या क्या उपयोग करते हैं, क्या पहनते हैं और कब इस इन नृत्यों को किया जाता है, ये सारी जानकारी उस प्रोफाइल में उनकी टीम के साथ रहेगी। और एक और बात है कि चाहे वो जनजातियों के गीत संगीत की बात हो जी, चाहे वो नृत्यों की बात हो जी, वो सब उनके किसी न किसी अवसर से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, किसी पर्व से जुड़े हुए हैं जी, या खेती किसानी से जुड़े हुए हैं या जन्म से जुड़े हुए हैं। मुझे तो ये भी पता चला बस्तर में कि गौंड समुदाय में मृत्यु पर भी गीत गाए जाते हैं, लिखे जाते हैं जी, जी, जी। तो क्या इन सारी चीजों की जानकारी को लिखने का सहेजने का काम ये आपके मैंडेट में है या नहीं? है, है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ के लोक गीतों का संरक्षण एक पुस्तक में हम लोगों ने कर चुका है बाली फूल के नाम से। यहाँ के जो लोक गायक है लखेश्वर खुदराम जी उन्होंने लगभग 120 गीतों को संकलित किया है और यहाँ सिखाते भी हैं उनको। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि बादल में एक स्टूडियो है, हालांकि लिख के तो हम उसको सुरक्षित करेंगे लेकिन उनका ऑडियो विजुअल भी तैयार करके उनको सुरक्षित रखा जा रहा है जी। और वो शायद आसान होता है जब आप ऑडियो विजुअल तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो उनको लोकप्रिय बनाना, उनको दूर तक उनकी पहुँच करना काफी आसान काम होता है। इसके अलावा आप ये कह रही थी कि यहाँ पे आप लोगों ने अलग अलग विभाग हैं और किसी भी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ज्यादातर लोग मेरे जैसे लोग शौकी आ सकते हैं इस संस्थान से जुड़े तो उनके लिए भी है, लेकिन जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो क्या इसमें मान लीजिए कोई आदिवासी लड़के लड़की यहाँ एडमिशन लें आपसे ट्रेनिंग लें तो क्या आपका संस्थान उनको वो प्लेटफॉर्म दिलाने में भी मदद करेगा जहाँ वो इसको जीवन यापन का सोर्स भी बना सकें और अपनी कला को अपने गीतों को बढ़ावा दे सकें।
वो बिल्कुल है, इसका जो एक फैकल्टी है, एक काम है कि उन कलाकारों को हम मंच दें। और केवल भारत में ही नहीं, हम चाहते हैं कि उनका विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार हो। एक चीज़ और आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी बात, यहाँ पे हम लोगों ने गोदना शिल्प, बस्तर का जो टैटू आर्ट होता है जी जी जी, उसका प्रशिक्षण दिया 20 दिवसीय जी, और उसमें से जितने भी प्रशिक्षण लेके गए हैं यहाँ से बच्चे जी, वो थोड़ा हाइजेनिक होता है, पुराने में तो वो सुई नीडल वगैरह यूज़ करते थे, बट अभी हाइजेनिक तरीके से उन लोगों ने टैटू का प्रशिक्षण लिया। और यहाँ जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं हमारे, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, बादल है, यहाँ भी जब भी एक्टिविटी होती है, कलागुड़ी है, आर्ट गैलरी है, तो जब भी कुछ उत्सव होता है तो वो लोग अपना जो है एक सेंटर बना के रखते हैं, बस्तर का गोदना टैटू आर्ट, तो यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आके टैटू करवाते हैं। और ये क्या है, जो प्रशिक्षण लेके गए हैं उनका एक रोजगार का साधन भी बना हुआ है ये। और अभी अभी जस्ट कुछ दिनों पहले राज्योत्सव रायपुर में मनाया गया, तो यहाँ से जो प्रशिक्षित कलाकार जो सीखे थे टैटू गोदना आर्ट, उन्होंने वहाँ पे लगभग 50,000 की कमाई की। बहुत अच्छा काम राज्योत्सव में, और हम लोग भी वहाँ गए थे, बहुत ही हर साल वो एक अच्छा इवेंट होता है जिसमें आदिवासी कलाकारों को मौका मिलता है। पूर्णिमा जी, बहुत सारी बातें थी लेकिन समय की सीमा है, और आपका संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी शुरुआत की है आप लोगों ने, आप बहुत आगे बढ़ें। आदिवासी नृत्य हो, चाहे वो साहित्य हो, भाषा हो, वो आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, भाषा, लोक कला या जीवन शैली वही बचती है जिससे लोग जुड़े रहते हैं या जो लोगों से जुड़ी रहती है। इसके अलावा अगर किसी भाषा को आप चाहते हैं कि लोग उस भाषा को बोलते रहें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उन लोगों को ये लगे कि वो भाषा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और जब इतना बड़ा संस्थान आदिवासी भाषाओं को बचाने की बात करता है, एक मंच प्रदान करने की बात करता है, तो लोगों में भी अपने भाषा के प्रति आकर्षण और लगाव बना रहता है। इसी उम्मीद के साथ कि बादल अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी नृत्य कला, साहित्य, इसका न सिर्फ संरक्षण होगा बल्कि ये आगे बढ़ेगा, ये सिर्फ किताबों में दर्ज होकर नहीं रह जाएगा बल्कि ये लोकप्रिय होगा, और बस्तर आने वाले लोग इस तरह के संस्थानों के माध्यम से आसानी से जनजातीय जीवन को, उनके लोक कलाओं को, भाषा को समझ पाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।